दोस्तों, हमने श्रृंखला में अभी तक पढ़ लिया लाइन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन में हमने पढ़ लिया कि शेप क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि स्पेस क्या होता है, हमने कलर के बारे में जाना है, हमने वैल्यू के बारे में समझा है कि कलर की वैल्यूज जो है वो कितना इफेक्ट करती हैं डिजाइन को। अब हम आज बात करने जा रहे हैं टेक्सचर की। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर का मतलब होता है कि जो बाहरी सतह होती है किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस बाहरी सतह पे जो फीलिंग आती है आपको, जब वो आप हाथ लगाते हैं उसके ऊपर, जब हाथ फेरते हैं उसके ऊपर, तो बाहरी सतह पे क्या फील होता है आपको? जैसे आप पेड़ की, अगर पेड़ की तने के ऊपर अगर आप हाथ फेरें, तो किस तरीके से आपको उसमें उतार चढ़ाव और उबड़ खाबड़ चीजें जो है वो फील होती हैं, इसी चीज को हम टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर बेसिकली ये होता है कि वो फील होता है एक किसी भी चीज का। अगर आप कागज के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके भी अगर आप कागज के ऊपर हाथ फेरे तो आपको वो दिखेगा कि ये कागज है। उसी प्रकार से आप अगर दीवार के ऊपर हाथ फेरेंगे, आप किसी भी चीज के ऊपर हाथ फेरेंगे, तो उस तरह से आपको आभास हो जाता है कि ये चीज क्या है, ये मटीरियल क्या है, ये किस तरह की वस्तु होगी। ये ही टेक्सचर है। अब टेक्सचर का इस्तेमाल हम बहुत ही ज्यादा करते हैं डिजाइन में। जब हम स्पेशली अगर आप मान लीजिए कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके के धागों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक अलग तरीके का उभार पैदा होता है टेक्सटाइल में। आप बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप जब धागे लगाते हैं ऊपर से डिजाइन के लिए, उससे भी आपको उतार और चढ़ाव और उभार का एहसास होता है। इसी प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये टेक्सचर बनता है। तो टेक्सचर जो है वो हमने अपने आसपास हमेशा देखा है, हमने महसूस किया है। अब जैसे आप मेरे पीछे ये दीवार देख रहे होंगे, तो इस दीवार में अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं, तो मुझे एक एहसास होता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि अलग है, जो कि इस जो जो आपको एक चिकनी दीवार होती है उससे बहुत भिन्न है ये। इसमें कुछ अलग तरीके का टेक्सचर है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो बहुत ही एक आसान तरीका है। अगर आपके पास पेंसिल है और पेपर है आपके पास, तो आप इसको इस तरीके से रखें, अगर और रख करके जब आप पेंसिल को ऐसे चलाएंगे, तो आपका जो टेक्सचर है, जो जिस जिस भी प्रकार का उसमें टेक्सचर था, वो टेक्सचर यहाँ पे उभर के आ जाता है। इसी प्रकार से आप कहीं भी जाएं, इसी प्रकार से आप नेचर में कहीं भी जा सकते हैं, आप अपने घर में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज को। आप लोगों के पास, सभी के पास सिक्के होते हैं, सिक्के, आप सिक्कों को इस पेपर के नीचे अगर रख करके इस पे अगर पेंसिल चलाएं, तो जो सिक्कों में उभार होता है, जो सिक्कों में आकृतियां बनी होती हैं, जो सिक्कियों में चीजें बनी होती हैं, वो सारी उभर करके इसके ऊपर आ जाएंगी। टेक्सटाइल के माध्यम से हम टेक्सचर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टेक्सचर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। उनका एक जो होता है विजुअल टेक्सचर होता है, मतलब आप जिनको आंखों से देख सकते हैं लेकिन आप हाथ से महसूस नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल टेक्सचर। और दूसरा एक टेक्सचर होता है जो होता है टेक्टाइल टेक्सचर। टेक्सटाइल का मतलब है जब आप उसको छुएंगे, आप उसको आंखें बंद करके भी अगर छूते हैं, तो आपको समझ में आएगा, आपके हाथों में महसूस होगा, जो उतार चढ़ाव है, जो उसकी बनावट है, वो आपको महसूस होगी। जैसे आप इस कपड़े को देखें, इस कपड़े में आपको एक टेक्सचर का एहसास हो रहा है, आपको दिख रहा है कि टेक्सचर है, और आपको बहुत बहुत कलर के माध्यम से जो हमने इसमें कलर जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, उससे इसमें आभास है कि टेक्सचर है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर अपना हाथ ऐसे करेंगे, तो इसमें उसका एहसास नहीं होगा आपको, आपको दिखेगा नहीं कि ये टेक्सचर है। तो इस प्रकार से ये विजुअल टेक्सचर है हमारा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं आंखों से, हाथ से नहीं महसूस कर पाएंगे। हम देख पाएंगे लेकिन हम महसूस नहीं कर पाएंगे हाथों से। उसी प्रकार से ये एक टेक्सटाइल है। अगर आप इसको देखें, तो इसमें आपको रंगों की वजह से एक टेक्सचर का एहसास हो रहा है कि इसमें एक टेक्सचर है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर दोबारा हाथ फेरें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डिफरेंस है इसके टेक्सचर में, किसी तरह का कोई मूवमेंट है यहां पे। ये बहुत ही आसान स्मूथ लग रहा है हमें। इसी प्रकार से अगर आप आए, तो ये एक टेक्सटाइल है हमारे पास, जिसमें आप देखें फिर से इस्तेमाल हुआ है लाइन का बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इसमें अगर आप देखें, तो इसकी बनावट इस तरीके से की गई है, इसके अंदर जो वीव है, जो हम बुनाई की गई है, वो बुनाई इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर एक टेक्सचर जो है वो बन रहा है। आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर कुछ उभार है, कहीं पर कुछ डेप्थ है, कोई गहराई है, उभार है, ये बहुत आसानी से आपको महसूस हो जाएगा। तो इसे हम टेक्टाइल कहते हैं, टेक्टाइल टेक्सचर, जिसको आप महसूस कर सकें। उसी प्रकार से आप इस कपड़े में आए, ये नागालैंड से बना हुआ एक रनर है। अब इस रनर की आप खासियत देखिए कि इस रनर को, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और इसमें एक रिब जो आपको एक
डंडी नुमा एक तरह से एक मोटे मोटे धागों से बनाया गया है ये, इसलिए इसमें आपको एक इफेक्ट आ रहा है जो आप महसूस करें तो हाथ से ही आपको उबार और चढ़ाव जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ऐसे आपको दिख रहा है। तो ये आपको टेक्टाइल टेक्सचर है हमारा, जो टेक्सचर का ही पार्ट है। तो ये दोस्तों टेक्सचर है। अब इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा आपको। आप क्या करेंगे, घर पर जाएंगे और एक A4 साइज जो पेपर होता है, जो नॉर्मल प्रिंट के लिए हम पेपर इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर को आप लेंगे, उसमें 2x2 इंच का आप बॉक्स बनाएंगे, 2x2 इंच का आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे उस पे पेपर पे, जितना भी आता है 6 आएगा। अगर तो ही जब आप 2x2 का बनाएंगे स्क्वायर, और इस स्क्वायर को जब आप अपने घर पे ले जाएंगे और बहुत सारी जगह पे आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जहां पे उभार दिखेगा आपको, तो आप उसको ले जा करके, ये मान लीजिए आपने इसको अगर ड्रॉ किया हुआ है 2x2 का, अगर 2x2 का ड्रॉ किया हुआ है आपने, आप इसी के अंदर, इससे बाहर मत जाइएगा, इसी के अंदर आप इसको टेक्सचर को क्रिएट करने की कोशिश करें, और ऐसे कम से कम आप 20 टेक्सचर ढूंढ करके आप बहुत सारे और भी क्रिएटिव तरीके हैं जिससे आप टेक्सचर बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने यहां पर अगर ये एक टेक्सचर हो गया आपका, और बहुत सारा ऐसा टेक्सचर हो सकता है, जैसे आप जहां पर आप क्या करेंगे, आप पेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है हमारे यहाँ, जो ब्रश करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉलगेट टूथपेस्ट होता है, आप उसका उसका यहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं, फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आटे जो गूंदा हुआ आटा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्सचर क्रिएट करने में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप जो अपने आप क्रिएटिवली कर सकते हैं, जा करके जितना टेक्सचर आप बना सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्सचर बना सकें आप बनाइए, और इसको फिर उसके बाद हमें भेजिए। इस ईमेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं, और आप इमेजेस जो पिक्चर्स हैं अपनी वो आप इस हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे और हम आपको इस विषय पे और जानकारी देंगे जब हमें आप ये लिखेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा आपके इन इमेजेस का और आपके इन डिजाइन का।